डियर फैमिली मेम्बर्स, गुड मॉर्निंग। ख़ासकर ये वीडियो मैं अपने उन सभी सीआरएस और बीडीएम, सीनियर बीडीएम के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमारे सभी प्रेसिडेंट्स और टीम प्रेसिडेंट्स के लिए संदेश है। एसजेएफएक्स की प्लानिंग पे पूरी तरीके से आप सभी, अभी शायद मेरे ख्याल से वक्त लगेगा पहुँचने में, क्योंकि अभी पूरी प्लानिंग आपको पता नहीं है, लेकिन जिस दिन इसकी पूरी प्लानिंग पता चल जाएगी उस दिन आपको लगेगा कि आपकी कंपनी का हर एक प्लान, हर एक चीज़, हर एक, चाहे वो गीत हो, चाहे बिड एंड हॉट डील हो, चाहे वो रियल इस्टेट हो, वो सब कुछ इस एसजेएफएक्स के अंदर आकर के एक समय में समा जाना है। और हम एक ऐसी इंडस्ट्री को आज लेकर चल रहे हैं जिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और एक बार इस पे करियर बना लेने के बाद हर एक व्यक्ति अपने अपने घर पर, अपने अपने ऑफिस में बैठ करके, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में वक्त बिताते हुए इस काम को कर सकता है, जिस काम में आप सभी लोग एक अच्छा करियर और एक अच्छी इनकम पा सकते हैं। आप सभी लोगों की ट्रेनिंग के लिए और इसकी पूरी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ। बनारस शहर के अंदर मैं एक मीटिंग रखूँगा जिसके अंदर सीआरएस और बीडीएम लेवल के भी लोगों की एंट्री मिलेगी, और इसकी पूरी जानकारी मुझे उम्मीद है कि आज रात तक आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। इनके टिकट्स पैनल पर आ जाएंगे, विदाउट टिकट्स में एंट्री नहीं होनी है, और ये मीटिंग उम्मीद की जा सकती है होली से ठीक एक दिन पहले, होली मिलन समारोह के नाम पर, और एसजेएफएक्स की इंडिया प्री लॉन्चिंग के नाम पर हम इसको कर सकते हैं। मैं अपनी व्यवस्थाओं को चेक करने के बाद आपको बता दूंगा, फिर भी उम्मीद आप रख के चलिएगा कि 20 तारीख को हम अपनी इस मीटिंग को दिन में बनारस शहर में कर रहे हैं, और ठीक होली के बाद मेरी उपस्थिति फिर से, इस बार जो कि फाइनल है, कई बार टल चुकी है, पटना के लिए होगी, और मैं बिहार पहुँचूँगा, और बिहार से मेरी वापसी जब होगी दोबारा दुबई के लिए, तो मैं अपने साथ उन सभी लोगों को भी इनवाइट करूंगा चलने के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है दुबई टूर सीसीएफ प्लान में। लेकिन अगर प्लान समझने के बाद लोगों को लगता है कुछ दिन इंडिया में रहकर काम करना है, तो वो टूर हम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जब सारे अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे, हमारा ऑफिस बनकर रेडी हो चुका होगा, तब भी किया जा सकता है। फिलहाल इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को दो तीन इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। मेरी इस इंडिया टूर के उस पर 19th या 20th, दो में से किसी एक दिन मैं सभी ग्रुप प्रेसिडेंट के साथ में एक मीटिंग करना चाहूँगा, जो कि एक सीरियस मीटिंग होगी इस सिस्टम को लेकर के और पीछे के सिस्टम को लेकर के। ग्रुप प्रेसिडेंट के साथ साथ टीम प्रेसिडेंट को भी मैं इसमें इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी हैं जिनको सभी को मिलकर उठाना है, और हम तय करेंगे इस मीटिंग में कि हमारे किस ग्रुप को किस पोजिशन पर रखते हुए एसजेएफएक्स के अदर बेनिफिट से उनको नवाजा जाए। आप ये मान के चलिए कि आप सभी लोग, अगर 10,000 अकाउंट आपके अंडर में होता है और 10,000 अकाउंट प्रॉपर उसी तरह से काम करता है, तो आप सभी लोगों के जरिए कंपनी को करीब 10 लाख रुपए की बचत होती है। आपकी अब जो पोजीशन है, आप ये मान के चलिए कि ये 10 लाख रुपए भी कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, 10 करोड़ रुपए, अगर आपका 10,000 अकाउंट है और प्रॉपर काम कर रहा है, तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि एक एक ग्रुप से कंपनी के पास 10 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट के तौर पर आएगा। ये 10 करोड़ रुपए कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, इस 10 करोड़ रुपए में से भी मैक्सिमम पार्ट को कंपनी आपके ग्रुप के प्रमोशन के लिए खर्च करेगी। लेकिन अब आपका ग्रुप जाना जाएगा ट्रेनिंग के लिए, अब आपका ग्रुप जाना जाएगा सपोर्ट के लिए, और जिस टीम का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जिस टीम लीडर की जितने बड़े कमिटमेंट की पूर्ति होगी, उस टीम के लिए कंट्रीब्यूशन कंपनी भी अपनी तरफ से इसी लेवल पर करेगी। यहाँ पर आप सभी लोगों की जो पहचान होगी वो अब टीम प्रेसिडेंट के तौर से मैं करना शुरू करूँगा। ग्रुप प्रेसिडेंट ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, और उनमें जिन लोगों ने नहीं भी निभाया आगे वो निभाएं ऐसी आशा करते हुए, अब मैं जिम्मेदारियाँ टीम प्रेसिडेंट के लेवल पर देने जा रहा हूँ, और टीम प्रेसिडेंट के लेवल पर मैं आप सभी लोगों को टारगेट भी देने जा रहा हूँ। इस पूरे अभियान में 31 मार्च के अंदर अंदर जितनी भी टीम और जितने भी ग्रुप से जो भी बिजनेस आएगा वो मैटर करेगा कंपनी के लिए, क्योंकि आपके ज़रिए किया गया एक भी बिजनेस कंपनी के स्टार्ट के लिए एक बहुत बड़ा मैटर करेगा। एक एक अकाउंट कंपनी के लिए बहुत कीमती है। मैं आप सभी ग्रुप प्रेसिडेंट से चाहूँगा, आई रिपीट, ग्रुप प्रेसिडेंट से चाहूँगा कि अपने टीम प्रेसिडेंट का टारगेट लेकर के HOD ग्रुप पर जरूर शेयर करें, और इसको आप सीरियस लीजिएगा, उतना ही सीरियस जितना सीरियस आपका पेआउट है, जितना सीरियस आपकी पेमेंट है, जितना सीरियस आपका बिजनेस है, उतना ही सीरियस आपका ही कमिटमेंट है। इसको मैं किसी वजह से मांग रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी ग्रुप प्रेसिडेंट अपने अपने टारगेट को लेकर के HOD ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें, और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सिर्फ उसी टारगेट को शेयर करें जिसे पूरा कर सकें। अगर पूरा नहीं कर पाए तो मैं फिर आपकी आगे की किसी भी चीज़ों पर इस कमिटमेंट से आपके कमिटमेंट को मैं नापूँगा।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी ग्रुप प्रेसिडेंट से और अपने टीम प्रेसिडेंट से ये टारगेट लें, और टीम प्रेसिडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीम प्रेसिडेंट हैं और एक पोजीशन पर आना चाहते हैं, मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड में आना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने टारगेट्स को सही सही शेयर कीजिए और उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही कंपनी आगे की अपनी प्लानिंग करेगी। और जब मैं इंडिया में मुलाकात करूँगा तो 20 तारीख को या होली के ठीक बाद जब भी मैं प्रेसिडेंट से मुलाकात करूंगा तो उसमें मैं टीम प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों से मुलाकात करूंगा और उनसे मैं कंपनी के आगे की प्लानिंग और आगे की चीज़ों के पे भी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से एक बार, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा कैरियर है, हर एक व्यक्ति 1 करोड़ पे घर बैठकर 1 महीने कमा सकता है, एक बार सिस्टम को समझने की ज़रूरत है और आप लोगों के जरिए किए गए कमिटमेंट ही कंपनी को आगे लेकर के जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।